हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के मूवमेंट की, आज के दिन की, और आज किस तरीके से इसकी क्लोजिंग हुई है और आगे किस तरीके की इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चार्ट के अंदर मैंने एक चैनल बनाया हुआ है, जो चैनल बेसिकली एक बेरिश फ्लैग पैटर्न को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट जो है भले नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चैनल बनता जा रहा है और ये एक फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। हालांकि यहाँ पर इसने कल के दिन में एक अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट दी थी, उसके पहले वाले दिन में इसे नीचे की तरफ फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद में वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गया और कल के दिन में इसने ऊपर की मूवमेंट करी थी। लेकिन ये ऊपर वाली मूवमेंट भी वापस सस्टेन नहीं हुई और वापस वहाँ से ऊपर के चैनल से आज वापस नीचे की गिरावट आई है। तो ये सजेस्ट कर रहा है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बेरिश फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ। और जैसा आप इशारों में देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप एमएससीडी को देखें, तो एमएससीडी की दोनों लाइन सिग्नल और ट्रेंड लाइन जो है वो जीरो लाइन के नीचे है, विच अगेन इंडिकेट्स दैट मार्केट में अभी भी स्ट्रांग अपसाइड नहीं है और मार्केट में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। इसलिए दोस्तों, मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली वीक ट्रेंड बना हुआ है। अगर पोजीशन हम अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए, बेरिश साइड को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई काम करते हैं तो शायद उसके अंदर हमारे को प्रॉफिट की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम निफ्टी का चार्ट देखें, तो निफ्टी के चार्ट में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये दोस्तों एक तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर नीचे की पॉसिबिलिटी बन रही है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर आपको बैंक निफ्टी भी दिखाऊं, तो दोस्तों बैंक निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक एम की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि डबल टॉप की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। या फिर अगर हम इसको और प्रिसाइजली देखें, तो यहां से इस तरीके से ये एक आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है। लेकिन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों निफ्टी के अंदर बहुत क्लियरली बन रही है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर एक तरीके से डबल टॉप बोल सकते हैं या एम वाला पैटर्न जो है वो बन रहा है। इसलिए मार्केट यहाँ से बेरिश ही नज़र आ रहा है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो अकॉर्डिंगली हम हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।